गोंडल की इस मंडी के दरवाजे कभी किसानों के लिए बंद नहीं होते। किसान जब चाहे यहां आए, अपना माल रखे, इंतजार करे और जब उसे बेहतर भाव मिले तब वो अपना माल बेचे। इस इंतजार के दौरान उसे अपने रहने खाने या दूसरी सुविधाओं की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। जो किसानों को भाव मिलता है वही माल लेकर जाते हैं, उसका दो कारण होता है। वो मंडी की फैसिलिटी तो बात अलग है, लेकिन जो एक्सपोर्ट करने वाले, परचेज करने वाले व्यापारी जहाँ होते हैं वहीं किसानों को पूरा भाव मिलता है। यहाँ हमारा मंडी में इतना बड़ा व्यापारी है जो क्लीनिंग ग्रेडिंग करके क्वालिटी बना के वो एक्सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान सारे देश में यहाँ से माल सप्लाई करते हैं, इसलिए किसानों को यहाँ उसको जो इच्छा मुजब का भाव मिलता है। यहाँ अगर माल लेंगे तो अपने को एक दिन में जितना लेना है, समझो कि आज रेट थोड़ा डाउन है तो 5,000 बैग लेना है तो इधर से मिल जाएगा। और तो गाँव में इतना काम एक दिन में नहीं हो सकता है। यहाँ पर सप्लाई अच्छी है और सब मजदूर का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, इधर की मंडी का जो मैनेजमेंट है बॉडी का, वो सब अच्छा है। वैसे तो गोंडल की मंडी में नीलामी सुबह के 8:30 बजे से शुरू होती है, लेकिन नीलामी के अलावा भी यहाँ चहल पहल देखने को मिल जाती है। उसकी वजह है इस मंडी में किसानों को मिलने वाली बेहतरीन सुविधाएं, जिसकी वजह से इस मंडी में शहरी बाजार जैसा ही माहौल रहता है। गोंडल एपीएमसी में सौराष्ट्र सब जगह से यहाँ माल आता है, तो यहाँ क्या हमारे मंडी में 75 एकड़ जगह में ये मंडी खड़ी हुई है, तो यहाँ माल रखने के लिए इतनी सहूलत है। जो बाहर से ही जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट के माल आता है, जूनागढ़ से आता है, पोरबंदर से आता है, इसकी कारण है जो यहाँ परचेज करने व्यापारी है वो एक्सपोर्ट सब करने वाले व्यापारी यहाँ है, तो उसको यहाँ से परचेज करके क्लीन ग्रेडिंग करके वो एक्सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा व्यापारी यहाँ गोंडल में मंडी में, इसलिए सौराष्ट्र से सब जगह से यहाँ माल आता है। किसान को माल रखने के लिए भी हमारे पास जगह है और किसान को क्लीनिंग ग्रेडिंग करने का है तो भी यहाँ हम कर सकते हैं। दूसरे मंडियों के मुकाबले इस मंडी में किसानों को अत्यधिक सुविधा मिलती है, जैसे कि यहाँ माल बिकने आए हुए किसानों को मंडी की ओर से जो खाना दोपहर को मिलता है वो बहुत कम रेट पे सब्सिडी उसमें भी देते हैं, 25 रुपये पे खाली मंडी की ओर से मिलती है किसानों को। और इसके अलावा यहाँ बढ़िया गेस्ट हाउस भी है जिसमें 2 रुपये और 10 रुपये में किसानों को रात को, अगर रात को हम आए और परेशान न हो इसलिए उसे यह भी सुविधा दी जाती है। गोंडल गांव के किसान मनीष जिस किसान शॉपिंग मॉल का जिक्र कर रहे हैं वो भी गोंडल मंडी का अनूठा प्रयोग है। इस मॉल में किसानों की जरूरत का हर सामान जैसे खाद, कीटनाशक, बीज इत्यादि मौजूद हैं। कुछ चीजें बाजार भाव पर हैं, तो वहीं कुछ महंगी चीजों पर मंडी समिति सब्सिडी भी देती है। किसानों के माल लाने के लिए ये 24 घंटे खुली रहती है। रात में आए किसानों के ठहरने के लिए यहाँ मंडी परिसर में एक गेस्ट हाउस बनाया गया है, जिसमें 2 रुपये, 10 रुपये, 150 रुपये और 250 रुपये में रात बिताने का पूरा इंतजाम है। यही नहीं, ऑक्शन के बाद किसानों के लिए दोपहर के भोजन की सस्ती दरों वाली थाली भी उपलब्ध है। ये गोंडल मार्केट यार्ड ने किसानों के लिए खोल रखा है। इधर बीज से लेके दवाई, खातर वगैरह सब चीज़ मिलती है और सब चीज़ इंटरनेशनल कंपनी की, मतलब स्टैंडर्ड कंपनी की मिलती है। इधर हम लोग जो चीज़ मतलब जो हमारा खरीदी है वही रेट से बेचते हैं, कोई मुनाफा कमाने का इरादा नहीं। और कुछ चीज़ों में तो हम लोग सब्सिडी डालते हैं, जैसे बियारण है, खातर है, ऐसा चीज़ में हम लोग सब्सिडी डालते हैं तो किसान को कम रेट में मिलती है। बाकी जो सब चीज़ है वो वही बाजार रेट से मिलती है। गोंडल की मंडी समिति ने एक और मील का पत्थर स्थापित कर दिया है, जहां तक पहुंचना देश भर की मंडी समितियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि जैसी होगी। एपीएमसी ने गोंडल ब्लॉक में रहने वाले हर किसान को 5 लाख रुपये के बीमा की सुविधा दी है, जिसके लिए समिति एक बीमा कंपनी को 20 लाख रुपये सालाना प्रीमियम का
भुगतान करती है। मंडी समिति का दावा है कि मंडी के कुल सालाना बजट का करीब 1/4 केवल किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाता है। मंडी की ओर से जो यह गोंडल तहसील है उसमें बीमा सुरक्षा कवच दिया गया है कि अगर अकस्मात में एक्सीडेंट में एक किसान की मौत होती है तो उसे बीमा भी मिलता है। गोंडल की यह मंडी चाहे साफ सफाई का मामला हो या फिर किसानों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने का, चाहे विस्तार का सवाल हो या फिर किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूनों की मुफ्त जांच के लिए सॉयल टेस्टिंग लैब बनाने का, गोंडल की यह मंडी वो हर काम कर रही है जो देश की दूसरी मंडियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे इस तरह की सुविधा देकर संतुलित तरीके से खेती से जुड़े हर किसी को फायदा पहुंचाते हुए समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। भुवन भास्कर, गोंडल मंडी, राजकोट।